हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कीबोर्ड के थ्रू रिबन को एक्सेस करना सीखेंगे। सपोज अब आपको ये मालूम नहीं है कि किस टैब के लिए या किस कमांड के लिए कौन सी शॉर्टकट की है, तो आप सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे। जैसे ही आप कीबोर्ड से ऑल्ट की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि ये हर टैब के लिए शॉर्टकट की इंसर्ट कर देगा। जैसे इसने यहाँ होम टैब के लिए कैपिटल एच इंसर्ट किया, इंसर्ट के लिए एन, पेज लेआउट के लिए पी, फॉर्मूलाज के लिए एम, डाटा टैब के लिए ए, रिव्यू टैब के लिए आर और व्यू टैब के लिए डब्ल्यू। यहाँ पर शॉर्टकट की इंसर्ट कर दिया इसने। अब आप किसी भी टैब को अगर यूज करना चाहते हैं, यानी कि एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप पर्टिकुलर शॉर्टकट की हेल्प से उस मतलब पर्टिकुलर टैब को यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पर डाटा टैब को यूज करना चाहते हैं, तो हम कीबोर्ड से ए प्रेस करेंगे। ए प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इसने डाटा टैब को जो है यहाँ पे ओपन कर दिया है, और उसके जो भी कमांड्स हैं, यानी कि जो भी ग्रुप्स में जो भी कमांड्स हैं, उनकी शॉर्टकट की भी इसने यहाँ पर इंसर्ट कर दी है। अब हम इन शॉर्टकट कीज की हेल्प से लाइक हम टेक्स्ट टू कॉलम करना चाहते हैं तो हम सिंपली ई प्रेस कर देंगे। रिमूव डुप्लीकेट्स करना चाहते हैं तो हम एम प्रेस कर देंगे। तो इस तरह से हम शॉर्टकट कीज की हेल्प से रिबन्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर लाइक डाटा टैप में सॉर्टिंग करना चाहते हैं। सॉर्टिंग जो है वो दो तरह की होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो हम सिंपली एस ए प्रेस करेंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं तो हम एस डी प्रेस करेंगे। लाइक हम ये नेम वाली लिस्ट है, इसे असेंडिंग करना चाहते हैं, सॉर्ट असेंडिंग, तो हम सिंपली क्या प्रेस करेंगे, एस ए। ऐसे प्रेस करते ही आप देखेंगे कि इसने कितनी क्विकली जो है वो हमारे डेटा को, यानी कि नेम्स को, असेंडिंगली ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। इस तरह से अगर हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सेव वो करना चाहते हैं, सॉर्ट करना चाहते हैं, अभी हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब हम इसे यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर में से सॉर्ट करना चाहते हैं, तो फिर से हम ऑल्ट की ए प्रेस करेंगे। आप देख रहे हैं कि सॉर्ट डिसेंडिंगली के लिए यहाँ पर एस डी है, तो आप यहाँ से एस डी प्रेस करेंगे तो ये आपको जो है डाटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसने यहाँ पर सॉर्ट कर दिया है। इस तरह से हम क्विकली शॉर्टकट कीज की हेल्प से रिबन को एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।